हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा लाइफस्टाइल। मैं रातुल हूँ। तो कुछ परचेजिंग मैंने की थी, उसी की मैं क्या करके आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ। और जो सामने मैं रखा है ये सैमयंग का है लेंस, T1.5 24 mm। बेसिकली ये जो लेंस है ये एक तरीके से सिनेमा लेंस ही है, एक तरीके से क्या सिनेमा लेंस ही है, कुछ खास अंतर नहीं होता। लेकिन ये अपर्चर वैल्यू जिनकी होती है वो टी से बताई जाती है, जैसे T1.5 है, यानी कि ट्रांसमिशन पावर लाइट की। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप सिनेमा लेंस अलग अलग यूज़ करते हैं तो हर लेंस में एक एक्विलेंट अपर्चर पे आपको एक्विलेंट लाइट ही मिलनी चाहिए वीडियो कैमरे को। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है इसकी। बेसिकली एक पाउच मिला हुआ हमको, इस पर हमको 2 साल की वारंटी भी मिली हुई है इस लेंस पर। और ये कुछ इसके मैनुअल हैं, तो ये मैंने अभी तक पढ़े या देखे नहीं हैं। और ये जो लेंस है ये कैनन माउंट है। इसके लिए मैंने एक वेल्टॉक्स का कैनन टू निकॉन अडॉप्टर भी लिया है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छा लेंस है ये, एक तरीके से बजट लेंस होता है ये। हालांकि लेंस के प्राइस तो बहुत अलग अलग होते हैं इसका, ये 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख तक के भी लेंस आते हैं सेम प्राइम फोकल लेंथ के। तो ये लेंस जो आपका है ये मैंने दिल्ली से लिया है। दिल्ली में आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनका जो नाम है वो है आपका GP प्रो करके, ये आपके लाजपत नगर में है। तो अगर आपको लेना है तो वहाँ पे आप जा सकते हो, उनके पास काफ़ी क्वांटिटी रहती है, तो परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेंस हमारा है इसका प्राइस हमें पड़ा है वही करीबन 35,000 रुपीज़, जिसमें GST भी है। तो अगर GST आपके पास में है तो आपका GST पैसा बच जाएगा। और 35,000 के लेंस, अब आप अगर सोचें कि ये लेंस अच्छा है या बुरा है, ये अपना काम ठीक से करता है, अच्छे से करता है, और एक बजटेड काम के लिए, क्योंकि लखनऊ में बजटेड काम ही होता है मोस्टली, तो ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा उससे फिर। तो ये था इसका, 35,000 का लेंस है ये, और सैमयंग का है, अच्छा ब्रांड है, 2 साल की वारंटी है। कोई भी ख़राबी हो, कोई भी दिक्कत हो तो वो वहाँ पर सर्विस सेंटर जा सकता है। ये इसका 77 mm का डायमीटर है। अगर आप ND फ़िल्टर या UV फ़िल्टर व्हाटएवर आप जो लेना चाह रहे हो आपको इजीली मिल जाएगा। और ये आपका फोकस, इसमें एक रिंग होती है, एक अपर्चर रिंग होगी। अपर्चर रिंग जो होती है वो डी क्लिक होती है, यानी कि वो क्लिक नहीं करती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो और लेंसेज होते हैं जो फ़ोटोज़ वगैरह के लिए आते हैं वो क्लिकेबल होता है उनका अपर्चर, लेकिन ये अपर्चर क्लिकेबल नहीं होता है। तो ये इसका बैक कवर है, ये सब साथ पे लग कर आया था, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेंस है, वजन करीबन 200 ग्राम होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है इससे ऊपर नीचे भी हो। सैमयंग ब्रांड है, काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में दूसरे एक लेंस के साथ में।